सर अपना नाम दस मोहम्मद यासर सर खिलाड़ी मैं शॉर्ट पुट कर दें F46 कैटेगरी के एथलैटिक्स सिल्वर मैडल ब्रॉन्ज मैडल है सर एशियन गेम्स नैशनल रिकॉर्ड 5 टाइम नैशनल गोल्ड ही 14-15 मेरे को सर इंटरनेशनल मैडल ने हूँ तक सरकार वादा किया नौकरी नहीं दे रही आज प्रदर्शन कर रहे बारे सर असं यही कहेंगे असं कोई कुछ नहीं कह रहे चलो बहुत वधिया काम कर रही है सरकार सुन भी रही है पर सानू साडी भी सुने ना जो पैरा प्लेयर ने जी उन्हों का जो बनता हक उन्होंने दिता जाए नौकरी है मेन जो एशियन गेम्स कितने भी सर तुम पता कर सकते हो एशियन मैडल से तो नौकरी तो कन्फर्म है जितने मर्जी पता कर लो जी मर्जी स्टेट के जाकर तुम देख लो जिन्हों का एशियन गेम्स के मैडल उन्होंने जॉब मिल चुकी है जी हाँ जी हाँ जी सर यही कुछ प्रॉब्लम करके सर नहीं जा पाया जी क्योंकि फाइनैशियली सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है जी क्योंकि गेम करनी बहुत सर मुश्किल आई हालात के जो थोड़े जॉब होगी तो कोई फिक्र नहीं होगा पिछे है ना भी कोई खर्चे का फिक्र नहीं होगा कोई डाइट का फिक्र नहीं होगा तो यही मेन चीज़ तो डाइट ही होंगी सर प्लेयर के लिए सरकार को कुछ कहना चाहते हो कि सर अभी यही कहना चाहते हैं कि सानू साडा बनता हक दिता जाए जो आ मैडल है इनू देख के साडा बनता हक दिता जाए जो एशियन गेम्स के मैडल है जी 2018 के एशिया के अगे अगे भी 22 के एशियन गेम आ रही ने कोई साडा फिर मन करता नहीं गा सर खेडन के लिए भी कोई होर काम कर लिए तो कुछ मिलना तो है नहीं सर हूँ सर घर का गुजारा किस तरह खेती करते सर बाकी थोनों किसान का भी पता ही है उधरों भी सारा कुछ बंद ही होने वाला है मेरा नाम राजेश्वर जी जलंधर तो हाँ जिसके थ्रू जैवलिन थ्रो शॉटपुट एथलैटिक करता है स्टेट अवार्ड मैंने मिले जी नैशनल जो मेरे मैडल है स्टेट जो मैडल है मेरे जी डिमांड साड़ी जॉब की है सर जी 24 जून धरना लाया सीगा साड़ी लाइव हुई सी मंत्री साहब ने कल वो कहते सके तुहाडा पहली कैबिनेट के हल हो जूगा 16 अगस्त में पहली कैबिनेट सी साडा कोई हल नहीं होया जी जाते साडा हल नहीं हुंदा जाते सानू गवर्नमेंट जॉब नहीं देंदे जाते असीं इत्थे ही हां जी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही जी इसे करके बैठे हैं सारे खिलाड़ी यदी वजह तुहाडे सामने देखो एक तरफ देश के उत्थे टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुई है पैरालंपिक है ना देश के हैंडीकैप्ट प्लेयर लोग जाएंगे मैडल जीतेंगे तो एक तरफ पैरालंपिक सड़कों से रुले हुए हैं क्योंकि कारण की वह कारण यह है कि पंजाब सरकार खिडारियों का बड़ा अपमान कर रही है उन्होंने मान सम्मान नहीं मिल रहा उन्होंने नौकरियां नहीं मिल रही उन्होंने पेंडिंग कैश अवार्ड नहीं मिल रहे उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं है इन्हों को कुछ भी नहीं इस करके इतने पंजाब सरकार फेल हो रही है मुख्यमंत्री ने वादा किया नौकरी देवे या फिर अवार्ड अपने घर लेके जाए सर अज कपड़े उतार के तुम उरे बैठे हो और बैरीकेड की तरफ कूच कर रहे हो जबकि बैरीकेड से पुलिस खड़ी है बैरीकेड लगाए सरकार ने मजबूर किया जी इंडिया की टी शर्ट पाने वास्ते ना लखा रुपया लगता करोड़ों रुपया लगता तो मेहनत लगती है खून पसीना एक होंगे वो पसीना अच्छ धुप्प के असी टी शर्ट उतार के कर रहे हैं क्योंकि जोड़ा कमा इस टी शर्ट उन्होंने पता है पानी किन्नी औखी तो अच्छ उतारी किमें असी मैं पैरा बैडमिंटन का प्लेयर है इतने सारे एथलैटिक्स के पावर लिफ्टर के सभी गेमों के कराटे के प्लेयर पहुंचे हुए हैं तो ये सारे प्लेयर जो नैशनल इंटरनेशनल मैडलिस्ट है तो सारे प्लेयरों को महाराजा तो स्टेट वर्गे अवार्ड है सरकार अपने अवार्ड लेके जाए मैं व्हीलचेयर पैरा बैडमिंटन प्लेयर हाँ तो मेरे को 38 मैडल है 13 इंटरनेशनल है तो 25 नैशनल मैडल है सर थोड़ी आवाज़ पंजाब सरकार क्यों नहीं सुन रही की वजह मानते हैं पंजाब सरकार की सोच है ना ये छोटी है इन्हों को आप का क्लेश नहीं मुक रहा सिद्धू साहब प्रधान बन के उ सुन लैन मीडिया के थ्रू क्यों नहीं उन्होंने पैरा प्लेयर्स दिख रहे मेरे नाल सिद्धू साहब ने एक शो किया उत्थे तो उन्होंने फील किया पैरा प्लेयर नूं सरकार दे विच साडी हक मिलना चाहिए पर देखते हम सिद्धू साहब सुन के कुछ कर लैन सिस्मा फार्म भी जावांगे सिस्मा फार्म दूर नहीं गा मैं पैरा कराटे का एको एक खिलाड़ी हाँ जिन्हें 7 कंट्रियां जा 9 मैडल लिते ने इस बार जाना सी पैरा ओलंपिक्स पर तुसी इत्थे सड़कां ते उत्थे आउणा सी देखो जी किस्मत जिन्हां नूं लोड़ है वह खेड रहे हैं जिन्हां नूं ज़्यादा लोड़ है वह रेहड़ियां सब्जियां ला रहे हैं मैं गरीब फैमिली तो हाँ मेरे सिर से 12 लाख रुपए का कर्जा मेरे मम्मी के गहने तक गिरवी पे ने 12 लाख रुपए कर्जा क्यों लिता देखो जी देश के लिए खेडना पैंता डाइट लगती है आने का खर्चा लगता है टिकट लगती है सो इन्ने के कर्जे थले मजबूर होया पे आज सब्जी की रेहड़ी ला रहे हैं मजबूर हो सब्जी की रेहड़ी लानी पै रही है सरकार को ये चीज दिखती नहीं सरकार नु दिखती नहीं सर दो बार मैं स्पोर्ट्स मंत्री साहब नु मिले आया उन्होंने मैनु वादा करया कि जॉब देवांगे बट अभी तक मैनु जॉब तक ही कोई इवन लैटर भी नहीं आया एक लैटर भेजता उसके लिख के भेजता तरस के आधार से नौकरी नहीं दे सकते एक ही गल कही तुहाडे
सो मैं ये पूछना चाहूंगा धरत के आधार से एम एल ए के बच्चों नौकरी है, साडे गरीबों के लिए कोई नौकरी नहीं है जो देश के लिए इन्हें कुछ कर रहे हैं। जब तक साडा मसला हल नहीं हुंदा असीं उरे बैठे हाँ, नहीं तो सानू कोई जॉब प्रोवाइड नहीं हुंदी असीं बैठे हाँ, नहीं तो आत्मदाह करन च मजबूर हाँ। अज ये करो या मरो वाला काम लैके आए जी। मेरा नाम तरुण शर्मा जी, मैं खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना का रहने वाला। बस सरकार वादे कर रही है जी, इन्हों असी थोड़ी दिखते हैं, इन्हों एम एल ए के बच्चे दिखते हैं जिन्हें साढ़े चार करोड़ की टर्नअप है, साढ़े वर्ग गरीब घर वाले थोड़ी दिखते हैं जिन्होंने 12-12 लाख रुपए का कर्जा लैके देश लिए इन्ना कुछ हासिल कर।